इसको आप गरम गरम चपाती के साथ इस दाल को सर्व करें और ये दाल देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता चौहान हूँ। ये मेरी फोर्थ वीडियो है खाने के रिगार्डिंग, और मैं जैसे कि आपको मैंने अपनी हर वीडियोस में बहुत ही आसान रेसिपीज़ बताई हैं, इस वीडियो में भी मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। और उस रेसिपी का नाम है उड़द दाल, जो कि बिना तड़के के मैं बनाऊँगी और उसके बावजूद ये बहुत स्वाद बनेगी। इसका मतलब ये नहीं है मैं इसमें टमाटर नहीं डाल रही, मैं इसमें टमाटर भी डालूंगी, मैं इसमें लहसुन भी डालूंगी, पर इसमें हम कोई तड़का और मेहनत का काम नहीं करेंगे और उसके बावजूद ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। और ये उन लोगों के लिए मैं इंस्टेंट बनाना ही सिखा रही हूँ जो लोग वर्किंग लेडीज़ हैं या वर्किंग पीपल हैं, जो खाना बनाने का सोचते हैं कि यार घर आके हाई मेहनत करके अब खाना बनाना है तो कितनी जल्दी जल्दी खाना बनाना है तो क्या बनाएं, तो उन लोगों के लिए मैंने स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए मैंने बनाया है। जो स्टूडेंट्स हैं जो बाहर रहते हैं उन लोगों के लिए बनाया है ताकि उनको भी आए कि 10 मिनट भी लगेंगे और खाना तैयार किए मेरे साथ। मेरी नई रेसिपी, उसका नाम है उड़द दाल। तो मैंने ये एक कटोरी दाल ली है, ये उड़द दाल है, और मैंने सिर्फ एक कटोरी ली है। ये दो लोगों के लिए बना रही हूँ मैं, और ये सिर्फ एक टाइम के लिए बना रही हूँ, और मेरे सिर्फ एक टाइम की बन रही है इसीलिए मैंने इसको सिर्फ एक ही कटोरी लिया है। तो इस दाल को मैंने अभी कुकर में लिया है और मैं इसको अच्छे से धो लूँगी। तो मैंने इसमें 2 कटोरी पानी डाला है, 1 कटोरी दाल में 2 कटोरी पानी डाला है और इसको अच्छे से वॉश कर दिया है। तो अब हमने इसको पानी से धो दिया, मैंने आपको बता दिया इसके अंदर 2 कटोरी मैंने पानी डाला है 1 कटोरी दाल में। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने डालना है, मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ। और इसके बाद आप इसमें लाल मिर्च डालेंगे, तो मैंने इसमें लाल मिर्च डाली, थोड़ी सी इसमें हल्दी अराउंड 1/4 टीस्पून, थोड़ा सा 1/4 टीस्पून मैंने जीरा डाला, और इसमें मैं डालने लगी हूँ थोड़ी सी मैं सूखा धनिया 1/4 टीस्पून, इसमें मैं काली मिर्च डाल रही हूँ अराउंड 1/4 टीस्पून, क्योंकि ये थोड़ा बन रहा है हर मसाले कम हो जाएंगे उस हिसाब से। अब इसमें मैंने मसाले डाल दिए हैं, अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। मैं इसमें 1 टमाटर और 1 लहसुन, जो कि मेरा थोड़ा बड़ा है, आपके 2 लहसुन। अगर आपको लहसुन पसंद नहीं है आप इसे स्किप कर सकते हैं, अगर आपको कम पसंद है तो आप 1 ही डालें, अगर आपको बिल्कुल पसंद नहीं है तो डालें मत। तो अब मैं इसे छोटे छोटे काटूंगी। मैंने इसमें 1 टमाटर लिया है और 1 तुली लहसुन है, जो कि मेरे इधर बड़ा होता है तो आपका ये 2 तुली लगेगा। तो फिर आपने इनको सीधा, आपने जो मैंने ये कुकर में इसको मैंने डाल दिया, मैंने इसमें कोई तड़का नहीं लगाया, आपने देख लिया कि मैंने इसमें कोई तड़का नहीं लगाया, मैंने सब कुछ इसी में ही डाल दिया है। और इसको मैं सीटी लगवाने के लिए मैं कुकर को रख रही हूँ। इंडिया में इसको हम खुले में भी बना देते हैं क्योंकि गैस वहाँ का की अलग हिसाब की होती है, तो खुले में भी बन जाता है, लेकिन मेरी गैस थोड़ी अलग है और यहाँ की थोड़ी दालें भी ऐसी हैं खुले में नहीं बनती, हम यहाँ की दालें टाइम लेती हैं, खासकर उड़द की दाल, तो इसीलिए उड़द की दाल ज़्यादा टाइम लेती है यहाँ पे। मैंने इसमें टमाटर, लहसुन, जीरा, मसाले सब डाल दिए हैं। अब मैं इसको 1 सीटी के लिए इलेक्ट्रिक गैस पे अपनी रख दूँगी। तो इलेक्ट्रिक गैस पे मैंने इसको 1 सीटी के लिए रखा है, लेकिन अगर आप इसे इंडिया में बना रहे हैं, इंडिया में इसको आप ओपन में बना सकते हैं बिना इसको सीटी दिलाए भी, क्योंकि वहाँ की दालें बन जाती हैं, उड़द की दाल बन जाती है खुले में भी, लेकिन यहाँ की दाल थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाती है, तो ये खुले में इसको 1.5 घंटा भी लग जाता है। तो इसीलिए मैं इसको क्या करती हूँ कि मैं इसको 1 सीटी दिला देती हूँ। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल सूखी नहीं अच्छी लगती, तो मैं उनके लिए थोड़ी गीली बनाती हूँ, और वो गीली का टेस्ट इतना अच्छा आता है कि मतलब जो नहीं भी खाता था वो खाना शुरू कर दें, तो इतना अच्छी बनती है टेस्ट वाइज।
और लगेगा भी नहीं आपको कि इसमें तड़का नहीं लगा हुआ। आप इसे जो खाएंगे आप खुद कहेंगे ये तो तड़के वाली ही लग रही है। तो देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके बाद मैं इसमें क्या करती हूँ। तो मैंने गैस पे कुकर रख दिया है, मेरी पूरी आंच है, मैंने इसको चढ़ा दिया है और इसको एक सीटी आने की इसकी वेट करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ इसको एक सीटी दी, मैंने इसको एक सीटी दी और मैंने इसको 10 मिनट के लिए गैस पे ही छोड़े रखा था। और मैंने अब इसकी गैस कुकर को खोला, जब मैंने कुकर खोला तो आप देख सकते हैं कि ये भी ग्रेवी वाली, जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरे हस्बैंड थोड़ी ग्रेवी वाली खाते हैं तो ये वैसी है, लेकिन अभी ये तैयार नहीं हुई, अभी इसमें हमने गोटी घी डालना है। अब मैं इसमें एक बड़ी चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया, धनिया और हरी मिर्च जो बारीक काट के रखी थी मैंने, उसको मैंने इसमें डाल दिया। उसके बाद मैं इसको मिक्स करूंगी। और मेरी आंच अभी भी थोड़ी सी गर्म है, मैंने अभी भी इस पे चपाती बनाई, परांठियां बनाई हैं, तो ये गर्म ही है तो इसको मैं रख दूंगी। उसके ऊपर ही मैंने रख दी है, आंच रहेगी तो थोड़ी सी और मिक्स हो जाएगी। इसको आप गरम गरम चपाती के साथ इस दाल को सर्व करें। और ये दाल देखें, इसमें अब लास्ट में मैं गरम मसाला डालूंगी सर्व करने से पहले। और ये हमारा दाल तैयार हो गई है, इसमें मैंने गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला इस पे डाला। इसको आप परांठे के साथ सर्व करें। इसको आप खाएंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि इसमें तड़का मैंने नहीं लगाया और ये 10 मिनट के अंदर तैयार हो गई। और इसको गरम गरम परांठे के साथ इसको आप सर्व करें ऊपर से गरम मसाला डाल के। अब ये हमारी तैयार। और मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, मुझे सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं। धन्यवाद।